नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12 बजने वाले हैं जी न्यूज पर। ये मुहिम लगातार जारी है कि किस तरीके से स्कूलों में फीस वसूली जा रही है, एक तरह की लूट। उस पर आपका क्या कहना है, आपकी आवाज क्या है? शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों। वॉशिंगटन के एक स्टोर में दो नकाबपोश बदमाशों का हमला, 26 साल के भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक का नाम विक्रम जयराल है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई, दोनों ही देशों में 25 अहम समझौते होने की उम्मीद है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का औपचारिक स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुबह 9:30 बजे राजघाट पहुंचे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज पीएम के साथ लंच करेंगे शेख हसीना, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगी। तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौते की उम्मीद कम है, बांग्लादेश को पानी देने पर ममता सरकार का रुख अब भी साफ नहीं। उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजेस की लूट पर नकेल, योगी सरकार ने तय की एमडी और एमएस की फीस। एमडी नॉन क्लिनिक के लिए 8,58,000 से 11 लाख तक फीस होगी, एमडी एमएस के लिए देने होंगे 16 से 20 लाख। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, यूपी सरकार से स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को नोटिस जारी हुआ, 45 बच्चों का नाम काटने की वजह पूछ ली गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में यूपी सरकार, 11 अप्रैल को मसौदे पर फैसला हो सकता है। यूपी के स्कूलों में योग शिक्षा भी अब जरूरी होगी, योगी सरकार ने लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी कंपलसरी की है। योग शिक्षा के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने सवाल उठाए, कहा पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं तो योग के लिए कहां से आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यूपी के विकास पर बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा संरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल। एमसीडी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने पर अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी, दिल्ली के चुनाव प्रभारी को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने रद्द किए बीजेपी के 6 उम्मीदवारों के नामांकन, तकनीकी वजहों से नॉमिनेशन खारिज हुए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 19 साल के जर्मन नागरिक पर हथियार से हमला किया गया, अस्पताल में भर्ती। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आतंकी हमला, कई लोगों को रौनता हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर में ट्रक घुस गया, 4 की मौत हुई, 15 घायल। डिपार्टमेंटल स्टोर में फायरिंग की भी खबर है, हमले के बाद एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है, ये ट्रक चोरी का था। स्टॉकहोम में हमले की जगह से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर भारतीय दूतावास है, घटना में कोई भारतीय हताहत नहीं। आतंकी हमले पर स्वीडन के पीएम स्टेफन लोफवेन का बयान, कहा देश को कभी आतंकवादी हरा नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने स्टॉकहोम हमले पर दुख जताया, कहा मुश्किल घड़ी में स्वीडन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है भारत। स्टॉकहोम हमले में मारे गए लोगों को पेरिस ने याद किया, आईफिल टावर की लाइट्स बंद कर दी गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा हादसा टला, नक्सलियों के आईजी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के स्निफर डॉग की मौत हुई। नोएडा के ऑनलाइन क्लिक फ्रॉड वाले अनुभव मित्तल के पिता भी गिरफ्तार, गाजियाबाद में एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। तमिलनाडु में आयकर विभाग का 50 जगहों पर छापा, 5.5 करोड़ रुपए बरामद। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के घर पर आईडी रेड, 85 करोड़ का सोना, 4.5 करोड़ कैश बरामद, कई सहयोगियों की यहां भी छापे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 किसानों की तबीयत बिगड़ी, तमिलनाडु के किसान 26 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सूखे से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। दिल्ली के सुभाष नगर में 2 लड़कों पर तलवार से हमला, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड हुई। दिल्ली की अमर कॉलोनी में बुजुर्ग की हत्या, जेल से छूटे क्रिमिनल ने चाकू मार दिया, छेड़खानी के आरोप में जेल गया था। दिल्ली में महिला पत्रकार पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ, पुलिस के मुताबिक छेड़खानी में नाकाम रहने पर यह हमला किया। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, चाणक्यपुरी इलाके में गुफा में अड्डा बना रखा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद, किसान परेशान। यूपी के मैनपुरी में भैंस चुराकर भाग रहे 3 बदमाशों को गांव वालों ने पकड़ लिया, जमकर पिटाई की। इलाहाबाद में संगम तट के पास एक लावारिस बैग में 5 लाख से ज्यादा के पुराने नोट मिले, सभी नोट 500 और 1000 के। उत्तर प्रदेश के देवरिया में महिलाओं का प्रदर्शन, रजला गांव में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। जौनपुर में शराब की दुकान चलाने वालों से गांव की महिलाएं भिड़ गई, मारपीट में दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हुए। कन्नौज में अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका कर्मियों पर लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, कई आरोपी हिरासत में लिए गए। मऊ में सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, सफाई करने वाले कर्मचारी इंजेक्शन लगाते नजर आए।
बांदा में स्वास्थ्य दिवस पर जिला अस्पताल में लाउडस्पीकर पर गाने बजाए गए, तेज आवाज की वजह से मरीजों को दिक्कत। कानपुर में गौशाला में भूख से चार गायों की मौत हुई, गौशाला चलाने वालों पर जानबूझकर चारा और पानी नहीं देने का। मध्य प्रदेश के दमोह में जीप पलटने से पांच लोगों की मौत हुई, सात गंभीर रूप से घायल, बाइक को बचाने की कोशिश में जीप पलट गई। सतना के खैरम सेड़ा गांव में कक्षा नौवीं के एग्जाम के दौरान नकल खुलेआम हुई, साइंस का पेपर लीक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक गैस गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 21 किलो सोना जब्त हुआ, तस्करी के आरोप में दो महिलाओं समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी। हरियाणा के जींद में रिवॉल्वर के दम पर पेट्रोल पंप पर 42,000 की लूट की गई, नकाबपोश बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। गुजरात के पोरबंदर में एनसीपी नेता कांधल जाडेजा पर नोटों की बारिश, समर्थकों ने करीब 8 लाख रुपए उड़ाए। बॉर्डर पर गोलीबारी के खिलाफ अफगानिस्तान के लश्करगढ़ में प्रदर्शन, पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी हुई, झंडे जलाए गए।